अब ये लैंड जिहाद का केस है जी, पूरे देश में इस तरह के इनके कार्य चलते रहते हैं कि ऐसी कोई ज़मीन जो कोई उस पर सरकारी संपत्ति हो या कोई ऐसा ज़मीन हो जिसका कोई स्वामी न हो, ये उस पर ये लोग हाथ रख देते हैं, फिर ये इसको वक्फ घोषित कर देते हैं। वक्फ अधिनियम देखिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, इंडियन वर्शिप एक्ट भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। एक तरफ तो ये इस तरीके से तुष्टिकरण की राजनीति के तहत पिछली सरकारों ने ऐसे ऐसे कानून लाए, एक तरफ गलत कृत्यों को लीगलाइज करने का कार्य हुआ, दूसरी तरफ इनको जो है किसी भी संपत्ति पे ये हाथ रख देंगे, ये इनकी संपत्ति हो जाएगी, फिर आप जो है किसी न्यायालय के शरण में नहीं जा सकते। इनका एक वक्फ ट्रिब्यूनल होता है, उसमें भी इन्हीं के लोग होते हैं। वो इतनी छोटी मस्जिद है कि वहाँ फ्राइडे की नमाज भी अगर होती है तो यहाँ हाईकोर्ट के मर्सी पे हम लोग रोड पे नमाज पढ़ते हैं। यहाँ इतने लोग आते हैं, यहाँ फ्राइडे के दिन कम से कम 700-800-900 लोग होते हैं, इतने लोग होते हैं, तो वो अब वहाँ बैठ जैसे ही नहीं हो पाएंगे ना। हाई कोर्ट को इस ज़मीन को लेने में कितना समय लग गया, हाई कोर्ट को लग गया इस संपत्ति को लेने में इतने साल, तो सोचिए सामान्य आदमी का क्या होगा। तो ये देखिए मस्जिद आपको दिख रही है, अभी भी गुम्बद वगैरह इस पर कुछ नहीं बना है, क्योंकि जैसा बताया गया कि ये रेसिडेंशियल पर्पजेज के लिए था। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। आज हम खड़े हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में और हमारे पीछे देखिए आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट दिख रहा होगा, गेट नंबर 5 और 6 के बगल में हम खड़े हैं। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के परिसर में ही एक अवैध मस्जिद का निर्माण कर दिया गया, जिसके उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि इस मस्जिद को 3 महीने के अंदर हटाया जाए, और यदि नहीं हटाया जाता है तो जो भी हाई कोर्ट है, जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है, उसके पास ये अधिकार होगा कि मस्जिद को हटाए या उसको डिमोलिश करे। तो यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए कुछ अधिवक्ता हैं जो कि मस्जिद से कहीं ना कहीं संबंधित हैं, नमाजी हैं, उनसे जानेंगे क्या कहना उनका। सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, क्या कहेंगे उस पर? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वप्रिय है, हमारे आँखों पर है, सर आँखों पर है, उसका फैसला हमेशा हम लोग मानते हैं और मानेंगे। रही बात इसकी कि ये यहाँ पे थे जिनका बंगला था, नफीस काजमी साहब, उनका ये बंगलो था, लीज़ पे थे, लीज़ ख़त्म हो गई, नोटिस इनके पास आई नफीस काजमी के पास कि आप लीज़ का पैसा जो भी है, रेस्ट मनी है, इसको आप जमा कर दीजिए। उनके पास पैसा उस वक्त उतना नहीं था, तो यहाँ के कुछ अधिवक्ता हमारे साथ लायर्स हैं, जिसमें मुस्लिम से भी हैं, नॉन मुस्लिम भी है, सीनियर गाउन भी हैं, उन लोगों ने कहा कि ठीक है, इतना हम लोग पैसा आपको दे दे रहे हैं, आप जमा कर दीजिए, आपका बंगलो भी सेफ रहेगा और हम लोग यहाँ अपना चैम्बर वम्बर बना लेंगे। ये बहुत पहले की बात है, वो नहीं माने, उन्होंने ले जा कर सूट फाइल कर दिया लोअर कोर्ट में सूट फाइल किया, वहाँ से लूज़ कर गए मुकदमा। बहुत दिन के बाद फिर हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट से भी लूज़ कर गए, इसलिए कि ज़मीन तो स्टेट की हो गई थी, अब उसको कोई वक्फ करेगा नहीं करेगा तो वो पूरा का पूरा जो है पावर है स्टेट को, दूसरे किसी को पावर है नहीं कि वो दे सके। फिर वो कुछ लोग यहाँ थे जो जानकार थे या नहीं थे, या गलती हुई या सही हुआ, उन लोगों ने इसको बताया कि वक्फ का है, वक्फ कोई कर नहीं सकता, स्टेट की ज़मीन है, जिसको स्टेट देगा और कोई दे नहीं सकता। फिर यहाँ से जो ऑर्डर हुआ हाई कोर्ट का, वही जाके चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, कई डेट लगी उसमें, फाइनली अभी उसमें डिसीज़न आ गया कि ये लीज़ की ज़मीन पे आप बनाए हुए हैं जो कि अनऑथराइज है। लीज़ की ज़मीन पे कोई भी आदमी कंस्ट्रक्शन नहीं करता विदाउट परमिशन, और परमिशन हो भी तो स्टेट की हो, जिस स्टेट में भी आप हों, तो उस बेस पे सिविल का जितना मैटर होता है वो पेपर बेस्ड होता है। पेपर आपका स्ट्रांग है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। इसी पे माननीय वो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया कि चूंकि आपने लीज़ की ज़मीन पे बना रखा है मस्जिद, और मस्जिद बहुत दिन से है, तो ये इलीगल है, इसलिए आप लोग इसको खाली कर दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा खासा टाइम दिया है कि 3 महीने में आप इसको खाली कर दीजिए, अदरवाइज़ फिर वो लोग अपना जो चाहें, जिस तरह के भी चाहेंगे खाली करा लेंगे, डिमालिश कर दें या चाहे जो करें, ये है।
इतना पैसा इस मस्जिद में लग गया है कि अगर हम लोग जो लोग कमेटी में थे उन लोगों को नहीं समझ में आया, हम लोगों ने कई बार कहा भी कि यहाँ छोड़िए इसको, कहीं चल के 100-200 ज़मीन ले लीजिए, इतना जितना पैसा इसमें लग चुका है, इतनी लंबी फीस 14 लाख 13 लाख 12 लाख एक हियरिंग की फ़ीस दी जाती थी, उतने में तो यहाँ 2 मस्जिद बन जाती। लेकिन यहाँ कमेटी कुछ लोग थे, अब नहीं समझ में आया या समझ में आया जैसा भी था, जिसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। एक ज़माने से हम यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, आज पहली बार जोहर का वक्त था, आज हमने यहाँ नमाज नहीं पढ़ी। अच्छा, तो आप नमाजी हैं तो आपको इस बात का दुख भी है कि आप नहीं पढ़ पाएंगे नमाज? तो दुख है, बहुत दुख है, उसमें गलती हम लोगों की भी है, अब क्या किया जाए, अब ख़त्म हो गई कहानी पूरी। अच्छा, हाईकोर्ट ने 10 लाख का मुआवजा भी दिया था शिफ्ट करने के लिए, ऐसा भी कुछ है? भैया, इसको हमको नहीं मालूम, जो साफ सुथरी बात हम करने वाले आदमी हैं वो कमेटी को मालूम होगा, लेकिन ये आपकी मुँह से हम पहली बार सुन रहे हैं ये बात कि 10 लाख मुआवजा भी आया था। हाँ, इतना सुनने में ज़रूर आया था कि आप स्टेट को कहा गया था, सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा स्टेट से कि आप इनको कहीं ज़मीन दे दीजिए, ये लोग बना लें वहाँ। तो स्टेट ने कहा कि यहाँ हमारे पास जो हमारे सुनने में आया, अब लीगल पेपर में क्या प्रोसेस क्या हम नहीं जानते, उन्होंने स्टेट ने ये कहा कि हमारे पास फ़िलहाल अभी एट प्रेजेंट कोई ज़मीन यहाँ नहीं जो उसको हम दे सकें आपको। उसके बाद फिर मुकदमा चला सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ गया, हम कहानी ख़त्म हो गई। अच्छा, यहाँ हाईकोर्ट के पास 500 मीटर के ही भीतर में एक और मस्जिद है, तो मान लीजिए यहाँ नहीं तो थोड़ी दूर पे तो है ही मस्जिद है। वो मस्जिद है, वो पोलो ग्राउंड में है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि उस मस्जिद का भी मुकदमा यूनियन ऑफ इंडिया ने लड़ा था, लेकिन वो मस्जिद वक्फ की है, मुग़ल पीरियड्स में थी, पेपर उनके पास है, उसके बाद ब्रिटिश पीरियड आया, ब्रिटिश पीरियड का भी पेपर उन लोगों के पास है, फिर हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ उस वक्त से भी पूरा पेपर उन लोगों के पास था, वहाँ तक सुप्रीम कोर्ट तक जा कर के पोलो ग्राउंड पे जो 14 पीर की मस्जिद कही जाती है वो वहाँ से मुकदमा जीत गए। तो मस्जिद उतनी ही है, वो इतनी छोटी मस्जिद है कि वहाँ फ्राइडे की नमाज भी अगर होती है तो यहाँ हाईकोर्ट के मर्सी पे हम लोग रोड पे नमाज पढ़ते हैं। यहाँ इतने लोग आते हैं, यहाँ फ्राइडे के दिन कम से कम 700-800-900 लोग होते हैं, इतने लोग होते हैं, तो वो अब वहाँ बैठ जैसे ही नहीं हो पाएंगे ना। अच्छा, सुनवाई के दौरान ये चला कि ये जो मस्जिद है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ये था, और मस्जिद जैसा नहीं है, अभी गुंबद वगैरह भी इसका मस्जिद जैसा कुछ है नहीं, तो मतलब रेसिडेंशियल ही था, फिर मस्जिद नाम दे दिया गया कि मस्जिद है, नमाज पढ़ते हैं इसलिए। रेसिडेंशियल नहीं, हम तो इसमें शुरू से हैं, इसकी जब ज़मीन कच्ची ज़मीन थी मिट्टी की, और ऊपर से टिन शेड पड़ा था, वहाँ एक कुआँ भी है अंदर, उस कुएँ से हम लोग पानी निकालते थे, वजू वगैरह करते थे, कच्ची ज़मीन पर हम लोग पढ़ते थे, वो पोर्शन अलग था, उतना पोर्शन मस्जिद का अलग था, रेजिडेंशियल नहीं है वो। रही गुंबद की बात, तो अभी जब सेकंड फ्लोर का अभी आप जाकर देखेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो पड़ा हुआ ही सही, जब से मुकदमा हो गया तो ऊपर जब ये बनता, ऊपर का फ्लोर बनता जब, तब गुंबद ऊपर बनता। और मस्जिद के लिए ज़रूरी नहीं है कि गुंबद, बहुत सी मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ गुंबद नहीं है, तो जब सेकंड फ्लोर उनका बनता, फर्स्ट फ्लोर, तो उस पर गुंबद बनाया जाता, तो मस्जिद की शक्ल में आता वो। तो आइए हम आपको मस्जिद भी दिखा दें, यहाँ से थोड़ी दूरी पे रही है, गेट नंबर 5 आप देखिए, गेट नंबर 5 के सामने से हम आपको ले कर चलेंगे उस मस्जिद तक, वहाँ पर आप देखिए उस तरफ, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वह है महाधिवक्ता भवन। महाधिवक्ता भवन के बगल में एक नई बिल्डिंग बन रही है, इसमें भी लोग बता रहे हैं कि कुछ जो ऑनलाइन काम होगा कोर्ट का वो ऑनलाइन के माध्यम से होगा, ये उसके लिए है। और आप इस गली में अंदर चलेंगे थोड़ा सा, तो जैसा कि हम अंदर चलते जाएंगे तो वहाँ पे आपको मस्जिद दिखेगी, और मस्जिद अभी सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर नहीं बना है, केवल ग्राउंड फ्लोर पर है। आप देखिए मस्जिद आपको दिख रही होगी, और आगे आपको ले कर चलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चली है, तो
कपिल सिब्बल जो है वो मस्जिद पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे थे और हाई कोर्ट की तरफ से राकेश द्विवेदी थे। तो कपिल सिब्बल का ये कहना था कि 1950 से लेकर यहाँ पर मस्जिद है और आप इसे इसी तरह नहीं हटा सकते हैं, और यदि आप हमें दूसरी जगह देते हैं, कोई और जगह, दूसरी जगह आप देते हैं तो हम वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे। तो स्टेट ने बोला कि हमारे पास जो है कोई दूसरी जगह देने के लिए नहीं है, और राकेश द्विवेदी ने बोला कि दूसरी जगह देने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये पूरा फ्रॉड का मामला है, कहीं से भी ये कोई मस्जिद नहीं, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए थी और धीरे धीरे यहाँ पर मस्जिद बना लिया गया। आप देख पा रहे होंगे हमारे वीडियो में, और आगे ये थोड़ा आप हमारे वीडियो में देख पा रहे होंगे कि इस पर कोई गुंबद भी अभी नहीं बना है और बाहर से ये बिल्कुल मस्जिद की तरह नहीं लग रही है, और इसमें लेकिन चूंकि ये तर्क दिया गया कि नमाज पढ़ी जाती है इसलिए मस्जिद हो गई, और ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि 3 महीने के अंदर इसको हटाया जाए, नहीं तो जो कंसर्न अथॉरिटी है हाई कोर्ट है उसको पूरा अधिकार होगा कि इसको या तो डिमोलिश करे या तो कुछ और करें। आइए कुछ अधिवक्ता जन हमारे साथ हैं, उनसे हम लोग जानेंगे कि उनका क्या कहना है। सर आप लोग बोलेंगे इस विषय पर, ये जो मस्जिद का मैटर उस पर बोलेंगे, क्या कहेंगे ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि मस्जिद को 3 महीने के अंदर हटाया जाए, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा फैसला है। जब पट्टे की ज़मीन थी और पट्टा जब खत्म हो चुका है तो उसे में जब अवैध रूप से जब मस्जिद बनी थी, मंदिर हो मस्जिद हो कोई भी धार्मिक स्थल हो, किसी का व्यक्तिगत घर ही क्यों ना बना हो, लेकिन जब अवैध रूप से है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो इसके बाद कोई बचता नहीं है और ऐसे आदेश तो आने ही चाहिए। कपिल सिब्बल तो ये कह रहे हैं कि ये 1950 से ये है यहाँ पर और ऐसे नहीं हटा सकते आप इसे। बहुत ही सीनियर वकील हैं और बहुत ऐसे मौक़ों पर उनकी राय बहुत ही गलत तरीके से आती रहती है, उनके बारे में बहुत कुछ नहीं कह सकते, अपने भाई हैं लेकिन उनका कंटेंशन सही नहीं है। क्या 1950 से ये है? अब ऐसा मेरी जानकारी में तो नहीं है। जैसा कि कपिल सिब्बल ने कहा कि 1981 से मस्जिद बनी हुई है, 50 साल से ऊपर हो गए हैं, और देखा जाए तो 155 वर्ष पहले अंग्रेजों द्वारा इसकी लीज दी गई अपने अंग्रेज को, उन फिर उनके वारिस आते गए, जो बीच में ये जो 1945 के आसपास ये फिर एक हिंदू पुरुषोत्तम दास परिवार को मिला लीज पे, फिर पुरुषोत्तम दास जी के द्वारा इसको जो हमारे पूर्व सांसद थे काजमी जी उनके परिवार को ये दे दिया गया DM से परमिशन लेके, तो काजमी साहब के बाद फिर ये चला रहा था। 2001 में ये स्टेट गवर्नमेंट ने इसको हाई कोर्ट को दे दिया, तो चूँकि हाई कोर्ट को दे दिया गया तो उसके बाद फिर हाई कोर्ट की संपत्ति हो गई। 2002 में तो इसको वफ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया, 2001 से ये गवर्नमेंट ने दे दिया, लेकिन बीच में इसके लेके उन्होंने मुकदमा हाई कोर्ट में दाखिल किया, स्टे मिला, फिर बाद में वो खारिज भी हो गया वक्फ बोर्ड का, तो ले देखिए फिर ये हाई कोर्ट की प्रॉपर्टी हो गई तब से, और देखा जाए तो 50 साल में ये, और ये पहले बताते हैं कि यहाँ केवल नमाज खुला मैदान था, नमाज़ पढ़ते थे, नमाज पढ़ते पढ़ते बरामदा बनाया, बरामदे से फिर टीन सेट से आज पक्का आपके सामने बन गया जो है जो बताया जाता है, और चूंकि कोर्ट का आदेश है, सही गलत की कोई बात ही नहीं, कोर्ट हमेशा न्याय करती है, जो बातें न्याय है। अच्छा 2001 में 2002 में जब हाई कोर्ट को दे दिया गया तो ये सुप्रीम कोर्ट में फिर ये लेके गए? सुप्रीम कोर्ट में तो जो हाई कोर्ट का आदेश 2017 में आया 18 में जब भी उस आदेश के खिलाफ गए कि ये हाई कोर्ट ने कहा इसको हटाइए 3 महीने, उस समय भी आया था उसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कल आपके सामने आया है। 15-16 साल तक इसी में चलता रहा ये, अब ऐसे जो है। अच्छा कपिल सिब्बल का यह भी आरोप है कि 2017 में जब सरकार बदली है उसके बाद सारी चीज़ें हुई हैं, PIL दाखिल किया गया, उससे पहले कुछ नहीं था। ठीक है भाई, सरकार का भी विशेषाधिकार है, सरकार के सामने जो बातें आएंगी देखिएगा, और PIL तो अलग बातें आई हैं। हमारे यहाँ 2019 में कुंभ मेला लगा, कुंभ मेले में शहर की सड़कें चौड़ी हुई, उसमें कई मस्जिद भी गई, हिंदू मंदिर भी गए, सिद्धपीठ मंदिर गए, उस समय कोई विरोध नहीं हुआ, सबको एक समान सरकार ने देखा, जो उस पर कोई बात ही नहीं भाई, जो न्याय है न्याय के हिसाब से चल रहा है। इसमें अभी क्या स्टेटस है, कुछ मुआवजा इन लोग को मिलेगा, अल्टरनेट जमीन मिलेगी, क्या होगा उसमें? मुआवजा का भी कल के ऑर्डर में ये मुआवजे का भी जिक्र है, और इसके बाद ये जमीन जहाँ इनको चाहिए जगह बताएं, सरकार देगी, उनके आवेदन पे विचार करेगी, 3 महीने का समय है इनके पास, सर फ्री में देगी? अब इसके लिए क्या है, सरकार के ऊपर फ्री देती है तो ऐसा तो उसमें है नहीं, बस सरकार को अपना मांगेंगे जमीन, सरकार को देना होगा, देगी, जो करना होगा, सरकार की कंडीशन क्या आती है उस पर निर्भर है। मतलब जो राकेश द्विवेदी हैं जो हाईकोर्ट के रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने तो बोला कि टोटली फ्रॉड का केस है, ये पूरा फ्रॉड ही है, तो जमीन देने की? हाँ उसमें उनका ये जिक्र है कि फ्रॉड का केस, क्योंकि ये बना दी गई बिल्डिंग, उनका कहना ये है, जबरदस्ती कानून को
सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं किया, उनका ये कहना था जी। अब जो है सामने जजमेंट। क्या कहेंगे सर आप, ये जो मीडिया है, ये खुले तौर पे भाई साहब ये लैंड जिहाद का केस है जी। पूरे देश में इस तरह के इनके कार्य चलते रहते हैं कि ऐसी कोई ज़मीन जो कोई उस पर सरकारी संपत्ति हो या कोई ऐसा ज़मीन हो जिसका कोई स्वामी न हो, ये उस पर ये लोग हाथ रख देते हैं, फिर ये इसको वक्फ घोषित कर देते हैं। वक्फ अधिनियम देखिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, इंडियन वर्शिप एक्ट भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। एक तरफ तो ये इस तरीके से तुष्टिकरण की राजनीति के तहत पिछली सरकारों ने ऐसे ऐसे कानून लाए, एक तरफ गलत कृत्यों को लीगलाइज करने का कार्य हुआ, दूसरी तरफ इनको जो है किसी भी संपत्ति पे ये हाथ रख देंगे, ये इनकी संपत्ति हो जाएगी, फिर आप जो है किसी न्यायालय के शरण में नहीं जा सकते। इनका एक वक्फ ट्रिब्यूनल होता है, उसमें भी इन्हीं के लोग होते हैं। सोचिए, ये हमारा संविधान सबको समानता की बात करता है और ये एक ऐसा अधिनियम है जहाँ इन्हीं के लोग होते हैं, इन्हीं की बातें होती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सोचिए, वहाँ इनके नौकर के नौकर क्या कहें, इनके इनके अंडर में काम करता है। ये सपोज ये किसी ज़मीन को कह देंगे कि ये हमारी है, तो DM को ये डायरेक्ट करेंगे कि इसको कब्जा दिलवाइए, और यदि कोई व्यक्ति व्यथित होता है तो वो व्यक्ति इनके ट्रिब्यूनल में जाए, और ट्रिब्यूनल में जाएंगे तो ये जो ऐसे सामान्य लॉ की प्रक्रिया है कि किसी को नोटिस होगी तो 30 दिन का समय मिलेगा, इनको 3 महीने लगभग 3 महीने का, इस पर मैं क्लियर नहीं हूँ, इनको 3 महीने का पहले प्रायर नोटिस देंगे, तब जो है इनके यहाँ सुनवाई शुरू होगी। और ये तो हमारे लिए बड़ा सुखद विषय है कि इस तरीके की माननीय उच्च न्यायालय ने भी यहाँ इनसे ये अधिकार छीना था, फिर उच्चतम न्यायालय में जाके भी इन्होंने अपील करा तो फिर वहाँ भी कोर्ट ने इसको खाली करने का आदेश दिया। मेरा तो मानना है कि देश में ऐसी जहाँ जहाँ संपत्तियाँ हों, सरकार को ऐसी बृहद स्तर पर जाँच करा के वक्फ ये सारी जो अवैध तरीके से इन्होंने कब्जा करके चाहे अपना मस्जिद बना दिया, चाहे कोई भी अपना उपयोग मजारे बना दिया। देखिए रोड के किनारों पे जो है मजारे हो गई, अभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बगल में पोलो ग्राउंड के बगल में एक मजार बनी हुई। अब ये नहीं समझ में आता कौन वो लोग हैं जो आके वहाँ मर गए, पोलो ग्राउंड, हाँ पोलो ग्राउंड में। अब चले ट्रेन के स्टेशनों पे चले जाइए तो वहाँ भी इनके लोग हैं जो कि भैया आके वहाँ शहीद हो गए, पता नहीं कौन से बाबा पैदा हो गए। तो ये देश में देखिए बहुत बृहद स्तर का एक जिहाद चल रहा है, देश का इन्होंने बंटवारा करवा लिया, बहुत बड़ा भूभाग एक देश से चला गया, उसके बाद जो है यहाँ की जो संपत्तियाँ थी शत्रु संपत्तियाँ तो उस पर भी कब्जा बैठाए रहे, है ना, कब्जा बैठाए रहे। उसके बाद उन सब संपत्तियों को सरकार को अंधेरे में रख कर वो संपत्ति भी हिंदुओं को बेच दिया। मतलब देश के साथ इतनी बड़ी दिन ब दिन चीटिंग होती जा रही है कि उसका कोई उसका और छोर नहीं है। और दूसरी चीज़, ये संविधान की बात करते हैं, ये कानून की बात करते हैं, ये कानून से आप लड़ पाएंगे? हाई कोर्ट को इस ज़मीन को लेने में कितना समय लग गया है, हाई कोर्ट को लग गया इस संपत्ति को लेने में इतने साल, तो सोचिए सामान्य आदमी का क्या होगा। ये जंगल ये कब्जा के उत्तराखंड में ये पहुंचे हुए हैं, देश के ऐसे जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ इनकी मजारें स्थापित होने लगी, इनकी मस्जिदें स्थापित होने लगी, कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं वो टेरर फंडिंग के तरीके से। और दूसरी चीज़, एक हलाल सर्टिफाइड का इनका कॉन्सेप्ट है कि इनके लोग वही सामान खरीदेंगे जो कि हलाल सर्टिफाइड कर रहे हैं, तो इससे भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी ये जनरेट कर लेते हैं। सरकार के पैरेलल इनकी इकोनॉमी है, और सरकार को एक साथ सभी चीज़ों पे वार करना होगा तभी सारी चीज़ें मुक्त होंगी। और भाई साहब मेरे समझ से इनके ऊपर कानून कोई काम नहीं कर सकता। अच्छा, एक अधिवक्ता हैं जो कि नमाजी भी हैं, उनसे हम लोग बात कर रहे थे तो बोले कि जब नमाज का समय होता है तो 900 से 1000 तक लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, और आप बता रहे हैं पोलो ग्राउंड पर भी है, तो दोनों तरफ क्या घेरने का प्रयास था? ये कहना है कि यदि आपको इतना पूजा करने का है, आपकी आस्था है, आपकी आस्था का सम्मान है, तो आप ऐसी जगह को चूज करें, आप खरीद लें उन जमीनों को जी, आप खरीद लें, लीगल तरीके से वक्त बनाइए, जाके वहाँ नमाज अदा कीजिए। ऐसा क्या कि आप रोड के किनारे बैठ जाएंगे, है ना, किसी मैदान में बैठ जाएंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी आपकी वजह से हम लोग को कितनी दिक्कत है तो आपको समझ में आता है। अभी केरला में एक गांव है, वहाँ एक बहुत प्राचीन मंदिर है, उस प्राचीन और उस गांव की कुछ मुस्लिम आबादी, वहाँ के वक्फ बोर्ड ने ये घोषित कर दिया कि ये वक्फ
का ये सारा संपत्ति एक हिंदू, हाँ पूरा एक हिंदू परिवार ने अपनी संपत्ति बेचनी चाहिए तो उसको ये कह दिया गया कि आप जाके वक्फ बोर्ड से एनओसी लेके आइए। अब ये पता चला कि इतना बड़ा ब्लंडर भैया, जहाँ प्राचीन हिंदू मंदिर है वहाँ कैसे वक्फ आ गया। मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे देश के कानूनविदों ने तुष्टिकरण की राजनीति के तहत इतने गलत गलत कानून पारित करवा दिए गए कि आदमी उस पर वहाँ उनसे लड़ाई नहीं लड़ सकता। और दूसरी चीज़, देश में 5000 हिंदू मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बना दी गई। जब ये अयोध्या का आंदोलन हुआ तो उसके बाद कांग्रेस सरकार को लगा कि अरे ये जनता उठ खड़ी होगी, तो एक इंडियन वर्शिप एक्ट बना दिया गया। इंडियन वर्शिप एक्ट बना दिया गया तो भैया उनको ये प्रोटेक्शन मिल गया कि अब किसी भी ऐसी मस्जिद के ऊपर हिंदू क्लेम नहीं कर सकता कि जो कि तोड़ के जो है मस्जिद बना दी गई। मतलब एक तरह से उनके आक्रांताओं लुटेरों के कार्य को जो है इन्होंने लीगलाइज करने का काम किया इंडियन वर्शिप एक्ट बना के। और इसी चीज़ का प्ले काशी विश्वनाथ मंदिर में ये लेते हैं, प्ली यहाँ लेते हैं ना कि ये इंडियन वर्शिप एक्ट से ये होगा, यहाँ सुनवाई नहीं कर सकती कोर्ट। तो भैया एक तरफ, मतलब दोनों तरफ से आप सेव करते हुए चलेंगे। एक तरफ 5000 हमारी हिंदू मंदिर है, देखिए मैं एक अधिवक्ता के साथ साथ मैं एक हिंदू हूँ, मेरी आस्था है। मेरे देश के 5000 ऐसे धर्म स्थल हैं जहाँ मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें इस देश में बनाई गई। भैया आप सब वापस कीजिए, ये गलत तरीका है। आपने जब धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा करा लिया तो ये क्या तरीका है कि आप हर जगह रोड पे खड़े बैठ के नमाज़ पढ़ने लगेंगे, किसी खाली मैदान में नमाज़ पढ़ने लगेंगे, चलती ट्रेन में नमाज़ पढ़ने लगेंगे। ये आपको पूजा करना, आप एक स्थान अपना खुद से बनाइए, आप अपने पैसे से खर्च करके अपना बनाइए, ये पब्लिक की जगह पर आप नहीं ऐसा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहस भी हुई कि इसमें नमाज होती थी इसलिए मस्जिद हो गई, देखने में तो मस्जिद जैसा कुछ स्ट्रक्चर है भाई। पहले तो एक बता तो बंगला था पुराना, अंग्रेजों द्वारा लीज पे दिया गया था, लीज के बाद उसको लीज पे लीज ट्रांसफ़र होती गई, अंग्रेज से हिंदू आए, हिंदू से मुस्लिम को मिल गया लीज पे, और खुले मैदान रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लिया था, ऐसा सुनवाई में चला है कि रेसिडेंशियल, बिल्कुल रेसिडेंशियल लिया गया था उसका। 2001 में जब सरकार ने अधिग्रहण किया 10 लाख मुआवजा भी दिया गया उस समय, मुआवजा तो पा ही गए हैं जो रियल ओनर थे। अवैध कब्जा करके मुआवजा भी ये ले रहे हैं, मुआवजा तो ले रहे हैं, सरकार से ज़मीन भी ले लेंगे। मतलब कब्जा भी कर लो किसी का, लूट के ले लो, और फिर उसके बाद मुआवजा भी ले लो, फिर उसके बाद ज़मीन भी ले लो। भैया ये कानून का राज है, ये देश में न्याय हो रहा है, ये देश में न्याय हो रहा है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का माननीय आदेश है तो उस पर कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोच्च निर्णय है। राम मंदिर वाले में भी तो यही हुआ था कि अलग से 5 एकड़ दिया गया था। अच्छा ये अभी इसको हटाया जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, क्या बनेगा, क्या मतलब क्या? ये हाई कोर्ट की ये बिल्डिंग है, इसका एक्सटेंशन होके यहाँ कुछ कोई हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई चीज़ बनेगी। हाई कोर्ट को तो बहुत जगह की आवश्यकता, अंदर चले जाइए कोर्ट रूम के बगल में जो भी सेक्शन है सीढ़ियों तक फाइल रखी हुई है, तो भैया उसका उपयोग हाई कोर्ट अपने डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए, अपने ऑफिस बनाने के लिए करेगा, अधिवक्ता हित के लिए करेगा। बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि अब यहाँ के वादकारी भाई साहब रोड पर टहलते रहते हैं, उनको बैठने की कोई सुविधा नहीं होती है। मेरा तो मानना है कि भैया वादकारियों के लिए कोई बैठने की जगह बना दी जाए। बहुत सारी माननीय उच्च न्यायालय जो चाहे उसका सही सदुपयोग करें। अब ये तो कमेटी हाईकोर्ट की है, वो डिसाइड करी क्या है या प्लानिंग क्या है, उस हिसाब से जो बनना होगा ले दे कि हाईकोर्ट की संपत्ति है, हाईकोर्ट डिसाइड करे क्या करना है। ट्रैफिक के लिए भी नहीं बना है अधिवक्ताओं के लिए कि कहाँ पे गाड़ी लगाएं। अभी हाईकोर्ट के लिए 14 मंजिला बिल्डिंग बन रही है सामने ही, उसमें पार्किंग भी 4 मंजिला रहेगी और चैम्बर भी बन रहे हैं। वो महंगा होगा कि अधिवक्ताओं के लिए शुल्क कम रहे? अब वो यूपी गवर्नमेंट के सहयोग से बन रहा है, जो भी शुल्क निर्धारित होगा अधिवक्ता देंगे उसके लिए। बनारस में तो काफ़ी अधिक है इसलिए अभी भी सड़क पे ही चल रहा है। अब वहाँ के लिए भी सरकार के ऊपर है, सरकार कैसे क्या करती है। अब तो फिलहाल यहाँ भी समस्याएं हैं, आप खुद देख रहे हैं, उसका निवारण हो रहा है। संभावना है कि 2 साल में शायद संभावना कुछ जो समस्याएं कम हो जाएंगी। तो ये जो निर्णय आया है कि 3 महीने में हटाइए नहीं तो डेमोलिश कर देंगे या तो कुछ भी कर देंगे, ये अंतिम है? इसके बाद भी कुछ संभावना है क्या? ऐसा तो कोई नहीं है भाई, आदेश नहीं। अब चूंकि सरकार को इस पर डिसीजन हाईकोर्ट का है, अब क्या कैसे अपनी संपत्ति को वापस लेगी, 3 महीने इंतजार करेगी नहीं तो हाईकोर्ट उखड़ आएगी, ले दे यही है आदेश के हिसाब से। तो
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया कि हटाइए 3 महीने में, इसके बाद भी कहीं जाने की संभावना है? अपील करने की कोई जाने की कोई संभावना नहीं? नहीं नहीं। आइए हम कुछ और अधिवक्ताओं से जानेंगे क्या कहेंगे सर ये जो। तो आइए हम आपको मस्जिद दिखा दे, थोड़ा और पास से डिटेल में दिखा देते हैं। तो ये देखिए मस्जिद आपको दिख रही है, अभी भी गुंबद वगैरह इस पर कुछ नहीं बना है, क्योंकि जैसा बताया गया कि ये रेसिडेंशियल पर्पजेज के लिए था, लेकिन चूँकि इसमें फर्जी तरीके से फ्रॉड तरीके से नमाज़ पढ़ने लगे, फिर ये क्लेम कर दिया गया कि चूँकि यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं तो ये मस्जिद हो गई। और यहाँ पे हम लोगों ने कई लोगों से बातचीत भी की कि कुछ यहाँ पे लोग बोलने के लिए तैयार हों, कुछ बोलने के लिए, लेकिन कोई भी यहाँ पर बोलने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि मीडिया वाले हैं, आप लोग गलत दिखाएंगे, जो मन है वही दिखाइए। तो आप देखिए ये है जो ये मस्जिद है, बाहर से आप देखेंगे तो एक बार भी आपको नहीं लगेगा कि ये मस्जिद है, लेकिन थोड़ा उसमें डिटेल में जाएंगे, कुछ यहाँ पे पोस्टर्स लगे हैं उसको पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि ये मस्जिद है। और वैसे भी नहीं लगता है क्योंकि गुंबद वगैरह इसमें कुछ है नहीं और सामान्य सी बिल्डिंग है। और हम आपको दिखा रहे हैं अंदर, हम आपको और थोड़ा दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए अभी अंदर तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये देखिए ये पूरा यहाँ पर मस्जिद है, यहाँ पर जो भी होता हो, कुछ कक्षाएँ भी हैं, कुछ कक्ष भी हैं, और ऊपर बनने का भी चल रहा था कि ऊपर जब बन जाएगा तो गुंबद बन जाएगा तो ये जो मस्जिद है वो पूरी हो जाएगी। तो ये पूरी कहानी है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है, हाई कोर्ट खुद, मतलब आप समझ सकते हैं कि देश में क्या स्थिति है कि हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट स्वयं क्लेम कर रहा है कि यह मेरी ज़मीन है, और उसको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है और उसको केस को अंतिम परिणति तक पहुँचाने के लिए 20-25 साल 30 साल तक जो है ये पूरा जो है केस को लड़ना पड़ रहा है। ये स्थिति है देश में, क्योंकि पहले ये जब हुआ कि हाई कोर्ट के पक्ष में निर्णय आया तो कुछ समय बाद इसको वफ की प्रॉपर्टी घोषित कर दी गई, और वफ का जो कानून था उस समय की जो सरकारें रहीं पूरी तरह से वफ के पक्ष में रहीं कि वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ, कि एक बार वफ की प्रॉपर्टी हो गई तो नो केस नो सुनवाई, वफ ने जो कह दिया वही हो गया। लेकिन अब चूँकि सरकारें बदली हैं और जो कानून है उस तरह की चीज़ों को फिर से रीडिफाइन किया जा रहा है, और इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि इस तरह पे निर्णय आ रहे हैं, नहीं तो ये कभी भी निर्णय नहीं आता। धीरे धीरे यहाँ पे बड़ी मस्जिद बनती, जैसा कि हमने बताया यहाँ पर मस्जिद है, जैसा कि हमने बताया यहाँ मस्जिद है, और इसके हाईकोर्ट के दूसरी तरफ जो पोलो ग्राउंड है वहाँ पर भी मस्जिद है। तो इस तरह से कई सारी मस्जिदें जो हैं हाईकोर्ट के चारों तरफ कुछ समय में हो जाती, ये स्थिति होती है। आइए कुछ लोगों से हम लोग बात करेंगे, कुछ बताएंगे सर ये क्या स्थिति, क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, अभी क्या कहेंगे? नो कमेंट्स। तो यहाँ पर आप देखिए हम लोगों ने कई लोगों से यहाँ पर बात करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ भी कहने के मूड में नहीं है, क्योंकि हाई सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि ये फ्रॉड की पूरा, मतलब यहाँ पे पूरी तरह से फ्रॉड किया है, इसलिए हो सकता है कोई कमेंट करने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पर। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।